माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेक बैलेंस इन आवर लाइफ। हमारा बैलेंस बन सकता है सब्जेक्ट टू, अपने मन को हमने फीड करना है विजडम के साथ, जिसको हम गुरबानी में बोलते हैं सतगुर दी मत। गुरबानी में इसको बोलते हैं रिलीजन। रिलीजन होता है सरगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। निर्मल कर्म आइडियल डीड्स जिस फिलॉसफी से सीखी जा सकती हैं, उस फिलॉसफी को सतगुर या विजडम बोलते हैं। आपने उसको मैक्सिमम कलेक्ट करना है और अपने मन को उसको फीड करना है उस मैसेज के साथ। अब जब आप उसको फीड करने लगेंगे तो आपका मन आपके साथ, ये मन जैसा सेवे तैसो होए, वैसी आपकी बॉडी आपके एक्शन बनाता जाएगा जैसा मन होगा, करेक्ट। तो आपका मन चाहेगा पैड़े फ्रेंड होने चाहिए ने। विजडम आपको सिखाए कि साकत संग ना कीजिए दूर जाइए पाक। मन आपको सिखाएगा अभी पापा मम्मी नहीं देख रहे हैं तो न्यूड चैनल, ब्लू चैनल, गंदे डांस देख लो, है ना। विजडम सिखाएगी कि अखी वेखना रजियां वो रंग तमाशे। तो ये मैं ऐसे ऐसे सिर्फ टिप्स डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी इस पढ़ाई को करते करते विजडम को साथ में सीखते जाना है। दैट इज़ कॉल्ड रिलीजन। रिलीजन डज नॉट मीन कि आपने कोई रिचुअल्स के एक पुलंदा सा बन के एक पपेट बन जाना है। रिलीजन मीन्स आपने उस विजडम का प्रैक्टिकल बीइंग बनना है। आपकी पढ़ाई का कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आप सीख लें कि मैंने दूसरों के साथ कैसे बोलना है। आपकी पढ़ाई का कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आप सीख लें मैंने बड़ों की इज्जत कैसे करनी है। पापा मम्मी लड़ते रहते हैं, जब ये बातें होती हैं ना तो हमको उनकी रिस्पेक्ट करना भूल जाती है, है ना। तो वो बस यही सीखते जाना है कि बड़ों की इज्जत कैसे करें, बड़ों के नुक्स नहीं निकालने हैं। हमारे ग्रुप में कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, मजहबी कम्युनल हेट्रेड नहीं करनी है। दिस इज कॉल्ड विजडम। वो तो अमीर है, वो तो गरीब है, वो गोरी है, वो काली है, वो दी नक ते लंबी है, वो दी फिन्नी है, वो दा कद उच्चा नहीं है, वो दी अखां डिंगियां टेढ़ियां ने, हाँ वो ते सोहनी नहीं लगती, वो दे बुल देखे भैड़े मोटे जे ने, बस यही बातें नहीं करनी। जब आप ऐसे सीखते जाएंगे ना, आपको लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करने के बजाय उनके साथ प्यार की रिलेशनशिप बनती जाएगी। अगर आपकी मम्मी नौकरानी को बोलती है गुस्से से और राम प्यारी इधर आ, तो आप राम प्यारी जी करके बुलाना शुरू कर दो। दिस इज कॉल्ड विजडम। आपको ये पढ़नी नहीं है कहीं से, इसके लिए टाइम कहीं वेस्ट नहीं करना है। आपका रिक्शे वाला हो, आपका थ्री व्हीलर वाला हो, स्कूल में जो लेके आता है, या आपको कोई ट्रांसपोर्ट जो लेके आती है, उसको ड्राइवर भैया बोल दो। अगर उसका नाम मालूम है तो उसका नाम बोल के जी करके बोल दो। आपके घरों के बाहर गार्ड्स होते हैं, जमादार होते हैं, या वहाँ पर सफाई करने के अलावा और जो कोई भी ड्राइवर के अलावा कुछ भी जो ऐसे लोग वर्किंग हैं, उनको आप प्यार से बुलाना शुरू कर दो। लेकिन हमने क्या देखा, हमारी मम्मी हमारे को दूध छुआ रहे थे चूरी खिला रही है और नौकर को गुस्से कर, ओए रामू। अब ये चूरी बादाम के साथ दूध के साथ बच्चे के अंदर ओए रामू वाली स्क्रीमिंग भी चली गई। उस स्क्रीमिंग के हम बीइंग हैं। नाउ यू कैन कट दिस श्रृंखला। ये बदमाशी कब से चल रही है? आप अपने बच्चे के टाइम या आप अपने इस टाइम पे रामू को ऐसे नहीं बुलाएंगे, रिक्शे वाले को ऐसे नहीं बुलाएंगे, किसी को गोरा काला डिस्क्रिमिनेशन या गरीब की डिस्क्रिमिनेशन नहीं देंगे। आई एम ग्लैड टू हियर दिस। एंड मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसीलिए उस टाइम शायद जज्बाती स्टार्ट हुआ है कि मुझको इन्होंने बताया कि सिख्या एक स्कूल शुरू किया है चंडीगढ़ में, जिसमें स्लम एरिया से बच्चों को ला के पढ़ा के उनको ऊपर खड़ा किया जाता है। ग्रेट, वेरी नाइस। जब हम ऐसे प्रैक्टिस करने लगते हैं, यही विजडम लर्न करना है, यही उसके प्रैक्टिकल बींग बनना है। नहीं तो हम बोलते हैं उस स्कूल में नहीं पढ़ना, वहाँ पर गरीब लोग आते हैं, उस स्कूल में नहीं पढ़ना, वहाँ पर तो स्लम एरिया के आते हैं। देन हाउ वी विल वर्क फॉर दीज पीपल। हम जब सबको साथ लेके ऊपर चलते हैं ना, तब फ्लाइट उड़ती है। देन वी लर्न हाउ टू बी धार्मिक पीपल, हाउ टू बी ए स्पिरिचुअल बींग। जब हम वितकरा करते रहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव एक्शंस करते रहते हैं, तभी तो गड़बड़ होती है,
राइट। सो मेरे बच्चों, अपना बैलेंस बनाने के लिए हमने ये सोचना है कि मैं डे टू डे रूटीन में जहाँ से भी आइडियल चीज़ें मिलें, मैंने उसको प्रैक्टिकल जीना है। जैसे मैंने अपनी इंजीनियरिंग की तो मैं ऑल ओवर इंडिया 5th पोजीशन पे आया, तो उस टाइम मेरे को जब नंबर आए या हायर सेकेंडरी में, तो अपने मम्मी पापा के पास बैठ के उनको बोलो, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, आप बिना वजह मेरे को डांटते रहते हैं, पर आपको मालूम है आपने उस दिन जो गलती की थी, उस गलती से मैं बहुत हर्ट हुई थी। जब आप ऐसे गलती करते हो दूसरों के सामने, मुझे बड़ी शर्म आती है। आई एम प्राउड टू बी योर चाइल्ड, पर उस टाइम मेरे को शर्म आती है भी मेरे मम्मी पापा ऐसे करें। दैट्स हाउ यू हैव टू टॉक टू देम, कन्वे। पर नहीं, मम्मी आप यहाँ से गलत हो, मेरे को नहीं बिल्कुल पसंद आप ऐसे, मैं ऐसे तो घर से चली जाऊँगी, मेरे को तो बहुत शर्म आ रही है तुम्हारी बच्ची में क्यों। नो, दैट्स नॉट द वे। तो ये टेक्निक ठीक है कि हम मम्मी पापा का एक तो मूड ढूंढना है, जब वो आपस में लड़े हों उस टाइम मत बताना, नहीं तो आपको पड़ जाएगी, है ना। तो जब वो खुश हों, जब आपने कोई ग्रेट काम किया हो, दैट इज़ द राइट टाइम टू कन्वे, है ना। पर उनकी गलतियां वैसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, ट्राई टू कंज्यूम योर एनर्जी टू मेक अप योर सेल्फ, दिस इज़ हाई टाइम। वो शायद बुढ़े तोते पढ़ाए जान या ना जान, और वो मानेंगे भी नहीं, है ना। अपनी पढ़ाई करो बच्चे, है ना। गुड।